मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा, ऑल इज वेल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, चलिए आज हम, अभी तक तो नवरात्रि शुरू हो गया रहता तो इसीलिए नवरात्रि में खाने वाला एक हलवा हम बनाएंगे। तो अभी ये अधिक मास के कारण ये शुरू नहीं हुआ है। ये देखिए मैं हलवा बना ली हूँ, थोड़ा सा डेकोरेट करके आपको दिखाई हूँ। तो चलिए मेरे किचन में और इस हलवा, इस टेस्टी हलवे को कैसे बनाते हैं देखते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। इसको बनाने के लिए मैं देखिए एक कटोरी चीनी ली हूँ। इसके नाप आप सही रखिएगा, जो भी कप ले रहे हैं तो कप में लीजिएगा और कटोरी ले रहे हैं तो कटोरी में लीजिएगा। एक कटोरी चीनी के लिए हम डालेंगे दो कटोरी पानी। देखिए दो कटोरी पानी मैं डाल ली हूँ और गैस की फ्लेम ऑन कर दी हूँ। और हम लोगों को चीनी को पिघलाना है, इसको चाशनी नहीं बनाना है, जस्ट बस हम लोगों को थोड़ा सा चीनी को पिघलाना है। ये देखिए, और इसमें थोड़ा सा मैं डाली हूँ खुशबू के लिए इलायची पाउडर। दो इलायची को रफली कूट के मैं डाली हूँ। ये देखिए थोड़ा सा, ये बस इतना ही उबलेगा, बस हो गया। अब हम इसको निकाल देना है। ये देखिए कढ़ाई में ले ली हूँ, और कढ़ाई में ली हूँ उसी कटोरी में एक कटोरी आटा। देखिए एक कटोरी आटा, इतना ही सेम कटोरी हमें सेम रखना है, नाप हमें सेम रखना है। और ये देखिए आटा को मैं बिना घी डाल के पहले थोड़ा सा भून ली हूँ, थोड़ा सा लाल होने तक देखिए मैं थोड़ा सा भून ली हूँ। इसके बाद देखिए मैं एक कटोरी घी भी ली हूँ, और इसमें जितने ज़्यादा घी देंगे उतना अच्छा है, लेकिन हम लोग तो थोड़ा सा घी अवॉइड करना चाहते हैं लेकिन कहाँ कर पाते हैं। फिर भी देखिए मैं इतना घी ली हूँ। और देखिए घी में मैं थोड़ा सा बादाम डाल दी हूँ। आपके पास अगर काजू होगा तो काजू भी डाल लीजिएगा, काजू बादाम डालने से अच्छा होगा। अब बादाम को थोड़ा सा भून ली हूँ। बादाम भून जाने के बाद थोड़ा सा मैं किशमिश ली हूँ। किशमिश को बादाम या काजू के साथ मत भूनिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है। ये देखिए तुरंत इसको निकाली हूँ मैं। उसके बाद जो आटा हम लोग भून के रखे थे उसी आटा को उसी घी में हम डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, ये देखिए, और ऐसे मिलाते जाएंगे जैसे गुठली ज़्यादा ना हो। ये देखिए फिर थोड़ा सा मैं भूनी हूँ। इस टाइम में हम लोग को और थोड़ा घी डालना था लेकिन थोड़ा सा घी कम करके मैं डाली हूँ, देखिए। और ये सारे गुठलियों को मतलब मिला मिला के हम लोगों को आटा को मस्त सुनहरे होने तक देखिए ऐसे भून लेना है, अच्छे से भून लेना है। देखिए कलर आ गया है और खुशबू भी आ जाएगा, अब जब करेंगे आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद जो हम लोग चाशनी वाला पानी जो बनाए थे, चीनी वाला पानी, उसी को धीरे धीरे डालते जाएंगे और ऐसे मिलाते जाएंगे। आप जितना इसको कड़ा करके भूनेंगे इतना ज्यादा अच्छा लगेगा ये। और ये देखिए इसको अच्छे से ऐसे मिलाना है और पूरा पानी को हमको डाल देना है, डरना नहीं है क्योंकि ये आटा ना पूरा पानी को सोख लेगा, ये पूरा सूखा हो जाएगा। देखिए एकदम थोड़ा सा भूनते जाएंगे ना तो ये पूरा सूखा हो जाएगा, और ऐसे देखिए सूखा सूखा ड्राई ड्राई लग रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम जो घी, पहले तो 4 चम्मच घी लिए थे एक कटोरी घी में से, तो और जो घी बचा है थोड़ा सा ऊपर से इसको डालेंगे। ये देखिए ऐसे 2-3 चम्मच घी फिर हम इसमें इसके ऊपर में डालेंगे तो थोड़ा सा ये अच्छा भी दिखेगा और अच्छा भी लगेगा। ये देखिए मैं ऐसे फिर 2 से 3 मिनट इसको भून लेना है अच्छे से। फिर उसके बाद हम जो काजू की बादाम और किशमिश को हम लोग फ्राई करके रखे थे इसको थोड़ा सा मैं डाली हूँ, देखिए, और इसको भी अच्छे से मिला लूँगी। और फिर इसके ऊपर हम जो बाकी बचे हुए घी जो है वो सबको मैं डालूंगी। इसमें ना जितना हलवे में कोई भी हलवा हो जितना घी डालेंगे उतना अच्छा और स्मूथ और सुंदर बनता है। ये देखिए इतना घी डालने के बाद भी ये सूखा है, और इसको और ज़्यादा अच्छा करेंगे ना तो और ज़्यादा घी डालेंगे तो और सुंदर मस्त दिखेगा। और ये घी में पूरा जब भीगा हुआ दिखेगा तो बहुत अच्छा लगता भी है, लेकिन इतना ही ज़्यादा घी खाएंगे तो और क्या, जान रहे हैं आप लोग मैं क्या बताऊंगी। ये देखिए फिर, ये देखिए हमारे हलवा 5 से 10 मिनट के बाद हमारे हलवा रेडी हो गया है। इसको अब सर्व कर रही हूँ मैं, ये देखिए सर्व कर दी हूँ ऐसे, और इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट के लिए मैं बादाम को डाल दी हूँ, एलमंड जो है इसको ऐसे अच्छे से डाल दी हूँ। ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए और बहुत स्मूथ भी बनता है, और ये नवरात्रि के प्रसाद के लिए तो बहुत ही अच्छा है।
तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और ये देखिए मैं हलवा को आप लोगों को दिखाई हूँ, बहुत स्मूथ और हाथ में चिपका भी नहीं है, बहुत सुंदर बना है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।